नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच में आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। जी हां, सुरक्षाकर्मी पहुंचे हुए, बड़ी संख्या में धरनास्थल पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है। स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और लगातार स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि आंदोलन को खत्म किया जाए और रास्ते खुलवाए जाएं। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल तेज है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रशासन कुछ और सख्त कदम उठा सकता है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां से अपडेट भी दे रहे हैं। गाजियाबाद डीएम ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है किसानों को और कहा है कि किसान खाली कर दे धरना स्थल। वैसे भी सिर्फ 20% के आसपास किसान वहां पर बचे हैं। पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसानों की तादाद अलग अलग बॉर्डर्स पर काफी कम हो गई है, क्योंकि किसानों का मनोबल ऐसा लग रहा है कि पहले से बहुत कम हो गया है। किसान नेताओं की बातचीत से भी ऐसा लग रहा है कि आत्मविश्वास कम हो गया है। आप राकेश टिकैत को स्क्रीन पर देख रहे हैं। आशीष सिन्हा का अपडेट कर लेते हैं, गाजियाबाद बॉर्डर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, अभी वहां पर क्या चल रहा है? राकेश टिकैत ने हालांकि साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। क्या मतलब समझा जाए इसका? क्या आमने सामने की स्थिति दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में बनती हुई दिख रही है? अभी वहां पर क्या चल रहा है? किस आरोप में हमें यहाँ से हटाया जा रहा है? अगर कोई कागज की कार्रवाई की गई है तो उसके कागज हमें चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 8 मिनट के पहले, मंच पर जो यूपी पुलिस के लोग हैं वो एक कागज लेकर गए हैं और उसी कागज को राकेश टिकैत और इसके अलावा युद्धवीर सिंह बाजवा और अन्य किसान नेता है वो पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुझे यहाँ से पुलिस लाकर गिरफ्तार करने आई है तो किस मामले में गिरफ्तार करने आई है? अगर हटाने आई है तो हटाने आई है? इसी को लेकर अभी ठीक सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर बातचीत चल रही है, जिसमें राकेश टिकैत है, युद्धवीर सिंह है, बाजवा है, अन्य किसान नेता है और यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी इस समय मौजूद है। मैं आपको दूसरी एक तस्वीर भी दिखाता हूँ रोड के उस तरफ पर। ये सामने जो आप सड़क देख रही है ये NH9 है जो गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है। आप NH9 की दूसरी तरफ देखिए, भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हैं। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको वो सुरक्षा बल देखने को मिलेंगे। हर तरफ ऐसे ही सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सामने अभी आपको यूपी पुलिस के जवान दिख रहे हैं, नीचे के साइड जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स है और जहां इस समय हम खड़े हैं वहां भी यूपी पुलिस जो है वो मौजूद है, यानी सुरक्षा को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। अभी मंच के पीछे मंच पर बातचीत चल रही है, थोड़ी देर बाद यहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि राकेश टिकैत को क्या यूपी पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं। दूसरी अहम बात और ये भी क्लियर हो जाएगी, गाजीपुर पर जो धरना 64 दिनों से चल रहा था वो अब क्या आज खत्म हो जाएगा या नहीं। जी, आशीष आप रहिएगा हमारे साथ और आशीष हम आपके पास वापस आते रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जो कुछ भी चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। और वहां पर मंच से तमाम किसान नेता जो हैं वो लगातार भाषण दे रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बातें अभी तक कही गई हैं, उन बातों को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और गाजीपुर बॉर्डर का हाल आपको बताते रहेंगे। लेकिन और भी बॉर्डर्स हैं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जहां पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वहां पर भी जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से ही पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर और धीरे धीरे करके शाम होते होते ये संख्या और बढ़ गई। टीकरी बॉर्डर का क्या हाल है? देवेंद्र भारद्वाज वहां पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए टीकरी बॉर्डर का हाल। छब्बीस जनवरी को जिस तरह से हिंसक घटना हुई थी तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन और सख्त होता नजर आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से खाली किया जाए और वहां तस्वीर जो देखने को मिल रही है कि कुछ टेंट समेटे भी जा रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी कि जो टीकरी बॉर्डर लगता है वहाँ भी पुलिस सुरक्षा मुस्तैद नजर आ रही है और सुरक्षा कर्मियों की संख्या लगातार बढ़ा दी गई है। चाहे CISF हो, BSF हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, उन तमाम जवानों की संख्या
बढ़ाई गई है और इसी बात से ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार की तरफ से और दिल्ली प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है कि क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही बहादुरगढ़ यानी कि जो हरियाणा का इलाका लगता है टीकरी बॉर्डर दिल्ली का है तो इस बॉर्डर पर पूरी तरह से किसान यही आंदोलन पर बैठे हुए थे और जो रास्ता है वो पूरी तरह से यहाँ ब्लॉक है और इसी को लेकर अब जब यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि दूसरे बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हैं उनको भी जल्द ही ऑर्डर हो सकते हैं और उसकी तस्वीर एक यहाँ देखी भी जा सकती है कि जो जवानों की संख्या बढ़ाई गई है क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से जो ट्रैक्टर मार्च किसानों के द्वारा निकाला गया था लेकिन लाल किले पर जिस तरह की हिंसक घटना जो देखने को मिली थी तो उसके बाद सीधे तौर पर पुलिस ने जो FIR दर्ज किए हैं किसान नेताओं के खिलाफ और लगातार प्रशासन पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश भी जारी किए गए क्योंकि जो जिस मांग के आधार पर जिस बात के आधार पर किसानों को ये अनुमति दी गई थी कि वो ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं और सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि यदि किसी तरह से उल्लंघन होता है तो उसका जो जिम्मेवार होंगे वो किसान खुद होंगे किसान नेता खुद होंगे और उसी के मद्देनज़र अब टीकरी बॉर्डर पर भी पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक तरफ किसानों के टेंट यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं किसान बैठे हुए हैं लेकिन जिस तरह से टीकरी बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ाई गई है उससे साफ देखा जा सकता है कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो सरकार के आदेश आए यूपी सरकार के तो उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको भी आदेश जारी किए जा सकते हैं कि वो यहाँ से टेंट हटाएं इस रास्ते को खाली करें। टीकरी बॉर्डर से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज इंडिया न्यूज। तो दिखाया हमने आपको कि कैसे टीकरी बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सिंघू बॉर्डर को उधर सील कर दिया गया है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अलग अलग बॉर्डर्स पर जो स्थिति है वो हम आपको बता और समझा रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा जो आमने सामने की स्थिति बनी हुई है वो गाजीपुर बॉर्डर पर बनी हुई है। वहीं पर मौजूद है राकेश टिकैत। वो राकेश टिकैत जिनके ऊपर हिंसा भड़काने का भी आरोप लग चुका है उनको नोटिस जारी हो चुका है। वो कह रहे हैं 2 दिन में वो जवाब देंगे। इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि सरेंडर नहीं करूंगा मैं कोई अपराधी नहीं हूं सरेंडर नहीं और आंदोलन चलता रहेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है दीप सिंधु को लेकर। वो दीप सिंधु जिसने ये बोला था कि कई किसान नेताओं के बारे में मैं ऐसे खुलासे करूंगा कि उनके लिए भाग निकलना मुश्किल हो जाएगा उसी दीप सिंधु को निशाने पर लिया है राकेश टिकैत ने। क्या कहा है गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद राकेश टिकैत ने सुनिए। उसकी पूरी जांच हो उस आदमी की जो दीप सत्तू है सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी ये हमने कहा है जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा और न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे धार्मिक फ्लैग लगाया है वो पूर्ण रूप से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। जो संगठन था उसको कोटेशन कमेटी से ना हिस्सा था ना था उसको निकाल दिया वहां से और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी और जिस तरह से जो षड्यंत्र से जा रहा कि बीजेपी के विधायक और एमएलए लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी या तो हिंसा का तो नहीं तो सारे विधायक घर पे जल्दी घोषणा करूंगा मैं मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी बातचीत चल रहा है फिर यहाँ पर डंडा फिर वाले कोशिश कर रहे कोई गिरफ्तार नहीं रहेगा अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है कोई गिरफ्तारी नहीं होगी मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर यहां पर धरना खत्म हुआ गोली चलेगी।
हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। क्या मैसेज है क्या जताया जा रहा था, जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था, किसानों और पुलिस के बीच में आमने सामने की स्थिति बनती हुई गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रही है। हम सीधे आशीष के पास चलते हैं, सीधे आशीष के पास हम चलते हैं। आशीष, बहुत बड़े ऐलान और साफ तौर से चुनौती देते हुए राकेश टिकैत लग रहे हैं दिल्ली पुलिस को, और ये कह रहे हैं खाली नहीं होगा। दिल्ली पुलिस पहले ही जुटी हुई है और गाजीपुर प्रशासन, गाजियाबाद डीएम ने अल्टीमेटम दे रखा है। ऐसे में अगर ये तेवर किसान नेताओं के हैं तो क्या समझा जाए आगे की स्थिति को लेकर? आशीष, हमने बीजेपी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा। चलिए हम चलेंगे अपने संवाददाता के पास, अलग अलग जगहों से, अलग अलग बॉर्डर्स पर हमारे संवाददाता तैनात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम जो तस्वीर है वो गाजीपुर बॉर्डर से उभर रही है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे टकराव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो जैसे ही बहुत महत्वपूर्ण जो बयान है वो हम आपको सुनवाते रहेंगे। लेकिन राकेश टिकैत को हमने आपको सुनवाया, वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, मानने के लिए किसान नेता तैयार नहीं है। राकेश टिकैत, जिन पर ये जिम्मेदारी थी गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान निकले थे, वो बेहतर तरीके से ट्रैक्टर रैली को आगे बढ़ाते, अब आरोप राकेश टिकैत पर ही लग रहे हैं 26 जनवरी को हिंसा को लेकर के। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत ने कह दिया मैं अपराधी नहीं हूं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और इसके साथ ही कह दिया उन्होंने कि आंदोलन चलता रहेगा, हम जतिन गोस्वामी का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता जतिन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं स्टेज से राकेश टिकैत ने, और क्या सीधी चुनौती दे दी है पुलिस को कि हम हटेंगे नहीं? देखिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने कहा है कि हटेंगे नहीं, और साथ ही साथ एक आरोप लगाया है कि कुछ लोग यहां पर असामाजिक रूप से लाए गए हैं, जो टकराव की स्थिति बनाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। हालांकि इस समय की स्थिति मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं, एक तरफ मंच पर तमाम चीजें जो चल रही हैं वो आप यहां पर देखेंगे, लेकिन उसके दूसरे हिस्से में भी देखिए, नेशनल हाईवे 9 के बीचों बीच वाले हिस्से पर भी इस बीच जो पुलिस है वो भारी संख्या में आप यहां पर देख सकते हैं, और जो टकराव की स्थिति जिसका डर था, गतिरोध अभी तक नहीं होगा। जतिन, लेकिन जो राकेश टिकैत ने कहा है, जो राकेश टिकैत ने कहा है वो भी हम सुनवा रहे हैं, वो भी हमने दिखाया और वो हम ब्रेकिंग के तौर पर चला भी रहे हैं। उन्होंने कहा है सरकार को सीधे चुनौती दी है, कहा है गोली चल जाए तो चल जाए, मैं फांसी लगा लूंगा। क्या फिर से एक बार स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि पहले भी राकेश टिकैत पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि उनके बयानों की वजह से हिंसा भड़की? जतिन, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो स्थिति इस समय मैं देख पा रहा हूं, वो जो जिन हालातों का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित है उसी हालात की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई जरूर दे रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां संयम बरत रहा है, दिल्ली के 26 जनवरी की तरह संयम बरत रहा है कि स्थिति वैसी ना हो। और अभी हमने देखा कि थोड़ी देर पहले जो एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे थे, वो कुछ देर पहले यहां से वापस चले गए हैं, क्योंकि देखिए जब बात नहीं मानी, डीएम ने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद ऐसा लगा था कि स्टेज पर जा रहे हैं, वहां से कुछ ऐसा कहेंगे कि जिससे गतिरोध खत्म हो पाएगा और शायद आंदोलन जरूर चलता रहेगा, अलग अलग जिलों में चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है जतिन, राकेश टिकैत को फिर से एक बार सुनना, क्योंकि पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लगे हिंसा भड़काने के। अभी उन्होंने क्या कहा थोड़ी देर पहले गाजीपुर बॉर्डर पर, आप सुनिए राकेश टिकैत की जुबानी।
तो राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा, किसान बॉर्डर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और विवादास्पद बात जो उन्होंने कही वो ये कि गोली चलती है तो चल जाए, उन्होंने सीधी चुनौती सरकार को दी है। और इससे पहले भी आप याद कीजिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के दिन हो रही थी सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर भी राकेश टिकैत ने लाल किले की घटना को लेकर ऐसी ही बात कही थी और कहा था कि अगर लाल किले पर कोई उपद्रव हो रहा था तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, ये सवाल सीधे तौर पर पूछा था राकेश टिकैत ने। उसके बाद भी सवाल उन पर खड़े हुए थे। और यहां क्या कहा गाजीपुर बॉर्डर पर अभी अभी वो भी आपने सुना। तो गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति जो है वो खराब होती हुई दिख रही है और पुलिस और किसान आमने सामने दिख रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद डीएम ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है किसानों को, वहां से हटने के लिए कह दिया है, लेकिन राकेश टिकैत ने मना कर दिया है, जतिन राकेश टिकैत ने मना कर दिया है। लेकिन ये जो बयान है वो बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही गंभीर, क्योंकि सीधे तौर पर चुनौती देना, वहां पर अभी किसान मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की होगी, लेकिन किसान नेताओं की क्या जिम्मेदारी? देखिए, उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो बाद में उनके साथियों के साथ क्या होगा, ये उनका डर दर्शाता है। क्योंकि यही डर जो है, हम आपको मायने जिसके दिन से बता रहे थे, यही डर जो है जो बाकी के किसान हैं उनको यहां से वापस ले जाने के लिए खड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उस डर का जो कहीं ना कहीं महसूस करते हुए राकेश टिकैत जरूर दिखाई दिए, लेकिन गिल्ट नहीं। और गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे क्या स्थिति बनी हुई है, ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे। अपडेट इंडिया न्यूज पर आपको मिलती रहेगी।